नगर निगम प्रशिक्षु आयुक्त आईएएस लक्ष्मण तिवारी ने शिकायत मिलने पर शहर के होटलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने होटल संचालक से संपूर्ण कागजात दिखाने को कहा। दुर्ग नगर निगम को लोगों से मिल रही शिकायतों पर शहर के होटलों की जांच नगर निगम प्रशिक्षु आयुक्त आईएएस लक्ष्मण तिवारी ने अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण करके की। शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने की कवायद स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है। इसी कड़ी में उन्होंने शिवनाथ नदी के समीप ठाकुर होटल की जांच की। उन्होंने होटल संचालक से संपूर्ण कागजात दिखाने को कहा। यहां से निकलने वाली पूरी गंदगी कचरा सड़कों में डाला गया था, उसका निरीक्षण किया गया। इसको देख प्रशिक्षु आयुक्त आईएएस लक्ष्मण तिवारी ने होटल संचालक पर नाराजगी जताई, साथ ही कहा कि सफाई नहीं कराने पर जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इसके अलावा पास के ही होटल वृंदावन की भी जांच की गई। उन्होंने होटल संचालक से होटल में काम करने वालों की संख्या की जानकारी मांगी। वहीं आयुक्त ने कहा अब नियमित होटलों की जांच होगी। अधिकांश होटलों की गंदगी निकाल कर सड़कों में फेंक दी जाती है। ये स्थिति आज की औचक जांच में उजागर भी हो गई है। होटल संचालकों को चेतावनी दी गई है कि यदि उनके होटल के आसपास गंदगी मिली तो भारी भरकम जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।